तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल पर एक मोटर टॉक। तो आज आपके लिए कुछ ऐसा कुछ लाया हूँ मैं जो कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते इस बारे में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ग्लोबल एंड कैप की तरफ से जो टाटा का क्रैश टेस्ट हुआ था टाटा नेक्सॉन का, जिसमें टाटा नेक्सॉन ने 5 स्टार रेटिंग की थी, जो कि इंडिया की फर्स्ट सेफेस्ट कार है बनी रही है अभी तक की। और आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आपने कभी बिलीव ही नहीं किया। तो चलो बात करते हैं। हाँ जी, मैं सही बोल रहा हूँ, टाटा अल्ट्रोस का क्रैश टेस्ट किया गया, जिसमें उस गाड़ी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 17 में से 16.13 मैक्सिमम स्कोर किया और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 49 में से 29 स्कोर किया है, जो कि यह गाड़ी स्टेबल पाई गई है ग्लोबल एंड कैप की तरफ से। ऐसा पहली बार हुआ है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में जिस गाड़ी को लॉन्च होने से पहले ही उसका क्रैश टेस्ट किया गया हो। यह इंडिया की सेकेंड सेफेस्ट कार बन गई है इतिहास में, जो कि बहुत ही शार्प लुक के साथ मिलती है। अब तो टाटा की बिल्ड क्वालिटी का क्या कहना, जिसने प्रूव कर दिया है कि हम गाड़ी बहुत ही मजबूत बनाते हैं। हर कंपनी का अलग अलग पॉइंट होता है कि वो गाड़ी को बेस्ट बनाने की कोशिश करती है अलग अलग पॉइंट के हिसाब से। बट कुछ कंपनियां सोचती हैं कि हम गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज निकाल पाएँ और अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से, बट टाटा यूँ सोचती है कि हम हमारा एवरेज भी निकाला जाए और कस्टमर को सेफ्टी भी दी जाए। जिस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट किया था उसमें सेफ्टी के नाम पर आपको कुछ इस प्रकार की चीज़ें मिल जाती है, डुअल एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD, सीट बेल्ट प्रोटेक्शनल रिमाइंडर, जैसे आपको सेफ्टी फीचर ही उसमें जो मिले गए थे जो क्रैश टेस्ट किया गया ग्लोबल एंड कैप की तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों।